आप लोगों के सामने हिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर 5 जो कि यावर मंगोलों का साम्राज्य है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को लेकर चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। इसमें पहला मेरा पॉइंट है विषय परिचय, ठीक है। जैसा कि बच्चों चैप्टर 5 में हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा जिसमें कि इस्लाम का उदय और धर्म युद्ध के बारे में पढ़ा, इसके बाद चैप्टर 5 में हम लोगों को पढ़ना है यावर मंगोलों का साम्राज्य। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चलता है कि यावर मुख्य रूप से अस्थायी कबीलाई जाति थे और जो इधर उधर घुमंतु की तरह विचरण करते रहते थे, एक जगह वहाँ स्थायी रूप से जीवन यापन नहीं करते थे और वे अपने जरूरतों को, दैनिक आवश्यकता की जरूरतों को, चीज़ों को पूरी करने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते थे। अर्थात यावी का जो स्वरूप था वह एक अस्थायी निवासी के तौर पर था, ठीक है। तो इस चैप्टर के द्वारा हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि यावी जो जातियाँ थी, घूमकर जातियाँ, उसमें कौन कौन सी जातियाँ आती थी, इसके बाद कि उन लोगों का जो अस्थायी जीवन था वह किस तरह से अस्थायी हुआ, इसके बाद है कि उसमें यावर में बहुत सारी जातियां थी जिसमें कि एक मंगोल जाति भी था जिसने अस्थायी जीवन को व्यवस्थित करके अस्थायी निवासी बन गए और उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और उसने उसमें मंगोलों को संगठित करके चंगेज खान ने बहुत बड़े साम्राज्य की, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और उसने किस तरह से इसे इस साम्राज्य का गठन किया या स्थापना किया या फिर इसका पूरे दुनिया में विस्तार किया, उसके बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है विषय परिचय। एक जगह से दूसरे जगह तंबू बनाकर रहते हैं और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर वे दूसरे जगह चले जाते हैं। इस तरह से यावी जो लोग थे वे भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। और यावी जातियों में मुख्य रूप से हूण थे, मंगोल थे, यूची थे, ये सारे लोग थे, बहुत सारी जातियाँ थी, उसी में से एक मंगोल जाति भी थी जिसमें जिसको कि चंगेज खान ने संगठित करके एक मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये था हमारा विषय परिचय। अगला हम करेंगे मंगोल इतिहास के स्रोत। दूसरा पॉइंट हमारा है मंगोल इतिहास के स्रोत, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि यावर मंगोलों का साम्राज्य का विषय परिचय हमने चर्चा किया और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे मंगोलों के इतिहास के स्रोत के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्रोत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी चैप्टर को हम लग लेते हैं या किसी साम्राज्य हो गया, एम्पायर हो गया या फिर किसी भी टॉपिक को अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले उसके सोर्स के बारे में पता करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा सोर्स था जो इस टॉपिक को पढ़ने में, समझने में या फिर इस
इतिहास को जानने में हमें मदद मिला। ठीक है, तो हम उसी तरह से आज भी मंगोल इतिहास के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी स्रोत की अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, तो उसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आता है दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा आता है दस्तावेज। ठीक है, और नेक्स्ट आता है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो बच्चों मंगोल इतिहास के जानने के स्रोत को भी हम चार भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा है दस्तावेज, और चौथा है यात्रा दस्तावेज। तो अब बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि क्या मंगोलों का जो जीवन था वह अस्थायी तो था नहीं, कि वे एक जगह स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और उनके जो ऐतिहासिक स्रोत है वो भी अस्थायी हो और एक जगह से ही उन्हें वो मिल सके। तो अगर मंगोल साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानने के स्रोत के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे बात आती है कि मंगोल तो ऑलरेडी अस्थायी थे, वे एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते रहते थे, तो क्या उनका इतिहास का स्रोत उस तरह से था जैसा कि ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, प्रादेशिक स्रोत, दस्तावेज और यात्रा वृत्तांत है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत तीन चीजों को हम रखते हैं। तो है ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जीवन एक ऐतिहासिक स्रोत हो गया, दूसरा हो गया प्रादेशिक स्रोत, तीसरा हो गया दस्तावेज, और चौथा हो गया अर्धवृत्तांत। इसमें भी लिखित और अलिखित चीजों को रखा जाता है। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से वह चीजें आती हैं जो भूमि में दबी होती है और उन्हें खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है दस्तावेज। दस्तावेज में सरकारी आदेश हो गया, फिर निजी पत्र आते हैं। इसमें हो गया आपके अभिलेख, सिक्के, मनके, और दस्तावेज में आ गया आपका सरकारी आदेश और निजी पत्रा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत यानी ये। ठीक है, प्रादेशिक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मनके इत्यादि आते हैं। इसके बाद में है दस्तावेज के अंतर्गत जो होता है वो सरकारी आदेश, निजी पत्राचार इत्यादि आते हैं। और यात्रा वृत्तांत में होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर यात्रा करता है और वह जब वापस आता है तो उसके बारे में कुछ चीजें लिख कर वह रखता है। पहले के जमाने में इस तरह का होता था, तो उस यात्रा वृत्तांत के द्वारा भी इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। जैसे कि चीनी लोग जो थे भारत की यात्रा करते थे, जैसे वेनसांग हो गया, ये सब लोग जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखे थे उससे भी बहुत सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यहाँ भी मंगोल साम्राज्य के इतिहास
व्यापार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और व्यापारी के रूप में जाते थे तो कुछ किस्से कहानियाँ भी लाते थे जो अपने लोगों को सुनाते थे और उसको यात्रा विवरण के तौर पर बताया करते थे जो इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने चर्चा किया कि इतिहास को जानने के लिए मंगोल के इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। एक तो अर्ध ऐतिहासिक स्रोत था, दूसरा था पुरातात्विक स्रोत था जिसमें कि अभिलेख सिक्के और मंचे प्राप्त हुए हैं। तीसरा था दस्तावेज एवं सरकारी जिसमें कि सरकारी आदेश और निजी पत्राचार था कि यात्रा के कारण था। अब पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के तथा मंचे हैं। बहुत प्राकृतिक स्रोत एक्चुअली बहुत ही विश्वसनीय होता है और दस्तावेज भी बहुत विश्वसनीय स्रोत के रूप में जाना जाता है क्योंकि अभिलेख और सिक्कों से उस समय के तत्कालीन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और उस समय के शासक के बारे में और जिसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये था मंगोल इतिहास के जानने के स्रोत। अगला पॉइंट हम चर्चा करेंगे कि मंगोल इतिहास को समझने में बहुत समस्याएं थी। मंगोल इतिहास को समस्या थे क्योंकि इनका कोई लिखित विवरण या फिर वैसा सोर्स नहीं था जिसको कि इनके इतिहास को समझा जा सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं मंगोल साम्राज्य एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य था, अतः मंगोल इतिहास से संबंधित ग्रंथों की रचना अनेक भाषाओं में की गई। जैसे 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 कि चीनी मंगोली फारसी अरबी इतालवी लातिन फ्रांसीसी और रूसी भाषा। एक ही मूल ग्रंथ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आशयों के साथ प्रस्तुत किया गया। इससे पाठकों के लिए बहुत कठिनाई हुआ जो मंगोल इतिहास को समझने की एक गंभीर समस्या थी। मंगोल इतिहास को समझने की जो समस्या थी मेनली ये था कि मंगोल जो थे एक बहुत ही पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किए थे और इसलिए इनकी जो इनसे जो संबंधित ग्रंथ थे वह अनेक भाषाओं में लिखे गए थे। किन-किन भाषाओं में लिखे गए थे? चीनी हो गया, लातिनी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, मंगोली हो गया, अरबी हो गया, इतालवी हो गया, लातिनी हो गया, रूसी हो गया, इन सारी चीजों में लिखा गया। मुख्य रूप से इन्हें किन किन भाषाओं में किन ग्रंथों को लिखा गया था? चीनी फ्रांसीसी के बाद है मंगोली फारसी लातिनी रूसी अरबी संदर्भ में अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। जैसे किन किन भाषाओं में लिखा गया था?
देखे चीनी, फ्रांसीसी, मंगोली, फारसी, लातिनी, रूसी, इसके बाद है अरबी एवं इतालवी, इन सारी भाषाओं में लिखा गया था। एक ही ग्रंथ को अलग अलग भाषाओं के साथ अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने से पाठकों के लिए, मैंने पढ़ने वालों के लिए या फिर उसके मंगोल के इतिहास को समझने वालों के लिए कठिनाइयाँ पैदा होती थी कि लिखने का आशय क्या है। सब लोग अपने अनुसार लिखते थे, वे जिसका मीनिंग समझते थे वे लिखते थे, दूसरे लोग उसी चीज़ को दूसरे तरीके से उसको लिखते थे। तो इन सारी चीज़ों से मंगोल के इतिहास को समझने की एक दिक्कत समस्या थी, मैंने एक्चुअल फैक्ट क्या है उसके बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। तो इस तरह की समस्याएँ मंगोल इतिहास को समझने की समस्याएँ थी। तो बच्चों, हमने सबसे पहले विषय परिचय दिया, इसके बाद मंगोल इतिहास के स्रोत जाने, इसके बाद हमने मंगोल इतिहास के समझने की क्या समस्याएं थी उसके बारे में पढ़े कि मंगोल इतिहास का जो ग्रंथ था कुछ लोगों के द्वारा जो लिखा गया था वो बहुत अनेक भाषाओं में लिखा गया था, जिसमें कौन कौन से भाषा थे, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी, इतालवी, इसके बाद में है लातिनी, मंगोली इत्यादि भाषाओं में लिखे गए थे। अगला पॉइंट हम चर्चा करेंगे और राजनीतिक स्वरूप में कि इनका जो राज्य
इसके बाद है धार्मिक स्वरूप। इन लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं थी और बहुत सारे छोटे छोटे समूह में इन लोग अपने अपने देवी देवताओं या धर्मों को अपना करते थे। ऐसा नहीं कि एक सामूहिक रूप से संगठित होकर एक धर्म का फॉलो करते थे। इसके बाद है आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से इनका था कि इनमें इनका जो मेन्यू होता था वो पशुपालन होता था और पशुपालन के लिए उन्हें वे भेड़ बकरियों घोड़े इत्यादि का पालते थे जो इनकी जरूरतों को पूरा करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्थायी आवास के अभाव में रहने वाले गर्मी जमा देने वाले धान एवं बारिश में तंबू ही उनकी शरण का साधन होता था। यानी इनका कोई अस्थायी घर भी नहीं होता था, ये तंबू में ही रहते थे। वे मेहनती एवं सहनशील होते थे और सूखा पड़ता था तो उनके पशु मर जाया करते थे जिनका दूध और मांस उनके आहार होता था और कभी कभी उनको भूखे भी रहना पड़ जाता था। ठीक है, इस प्रकार का इनका जो सामाजिक उनका स्वरूप था यानी इनका जो पूरी तरह से था वो है। अच्छा, अगला पॉइंट हम करेंगे यदि जाति द्वारा साम्राज्यों का निर्माण या जातियों द्वारा साम्राज्यों का निर्माण। साम्राज्यों का निर्माण किया जाए यावरी जातियों में मूल मंगोली के इत्यादि लोग आए थे जिसमें से कि बहुत सारे लोग थे। अगर हम इनके साम्राज्यों के बारे में विस्तार के बारे में तो यावरी घुमक्कर जाति के लोग थे। वे अस्थायी निवास नहीं करते थे, वे एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते रहते थे। अपनी जरूरत क्या और आवश्यकता की चीज़ों के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यावरी लोगों ने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगर हम इस्लाम के की स्थापना या फिर उसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की बात करते हैं तो उन्होंने वो भी एक बद्दू जाति के थे जो एक मध्य किस्म का ही जाति था और वे अरब के रेगिस्तान में रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य इस्लामी साम्राज्य का रचना किया। तो इस तरह का था, उसी तरह से उन्होंने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मंगोलों ने जाकर मंगोलों को संगठित करके चंगेज खान ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी जो कि बहुत बड़े वर्ग के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। और उसी तरह से ऊंची जाति के जो शक्त है या फिर जो उन लोगों ने भारत में आगे शक्त साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद उसी के कुशान जो थे वे भारत में कुशान वंश की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो यावी जाति जो लोग थे हुन मंगोल ऊंची ये सब लोग थे और शक्त जो थे वे बहुत सारे एरिया में वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बड़े बड़े साम्राज्यों की रचना किए थे। तो उन्होंने साम्राज्यों की रचना क्यों किया, एक्चुअली यावी जातियों का जो नेचर था वह एक जगह से दूसरे जगह विचरण करने वाला था और वे अस्थायी तौर पर निवास नहीं करते थे, लेकिन एक समय आया कि वे परिवर्तित होते गए और एक जगह संगठित हो गए और बड़े बड़े राज्यों की स्थापना किए। अगर देखा जाए तो असीरिया का राज्य भी एक या और लोग भी किए थे, सुमेर का भी किए थे। इस तरह से बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों का जो स्थापना हुआ था निर्माण किया गया था वह यावरी जातियों के द्वारा ही किया गया था। इस पॉइंट के अंतर्गत मैंने हमें पढ़ना है कि यावरी लोग जो थे वे बड़े बड़े साम्राज्यों का किस तरह से किए थे, बहुत सारे साम्राज्यों की स्थापना किए थे। जैसे मंगोल साम्राज्य क्या हो गया, अरब में उन्होंने इस्लामी साम्राज्य का गठन किया, उसी तरह से भारत में भी कुषाण लोग आए और कुषाणों ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। इसके बाद फिर है कि उन्होंने उनका शासन हुआ, इसके बाद अशिया का सभ्यता का भी विकास, अशिया साम्राज्य की स्थापना हुआ, उसी तरह से बेबीलोन यानी अक्कादियन सभ्यता साम्राज्य का भी एक यावरी लोगों ने ही किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यावरी जातियों द्वारा साम्राज्यों का बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया गया था। अगला हमारा है मंगोलों का सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि।
मंगोलों का सामाजिक स्थिति या फिर किस भूमि कर सकते तो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना की। आगे हम देखते हैं कि मंगोलों का सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कैसा था। मंगोल लोग जो थे एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते रहते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने संगठित होकर बहुत बड़े साम्राज्य की रचना की, जो बाल महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। तो मंगोलों के जो नेता थे चंगेज खान, उन्होंने मंगोलों को संगठित किया और संगठित करने के बाद उनको एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसके लिए हम देखें तो उनका सामाजिक स्थिति कैसा था, उनका पहले का जो मंगोल साम्राज्य के गठन से पहले उनका जो सामाजिक स्थिति था वह था कि वे पशु पालन करते थे और उसके लिए वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, प्लस वे अस्थायी निवासी नहीं होते थे, तो अस्थायी तौर पर वे घर भी नहीं बनाते थे, वे तंबुओं का घर बनाते थे और उसमें वे रहते थे, ठीक है। और वे तंबुओं में ही गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हर समय वे तंबू का ही घर बनाते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो अपने घर को इधर से उधर नहीं ले जा सकते थे, तंबुओं में वो खाते थे, उसमें से बैठते थे और फिर वे दूसरी जगह चले जाते थे। इस तरह से उनका सामाजिक स्थिति था। अब हम बात करते हैं उसके राजनीतिक दृष्टिकोण का। अब हम बात करते हैं मंगोलों के राजनीतिक पृष्ठभूमि का, ठीक है। मंगोल साम्राज्य जो था वो अनेक पितृवंशी वंशों में विभक्त था। इसका मुख्य कारण उपलब्ध आर्थिक संसाधनों की कमी थी। आक्रमण तथा रक्षा के उद्देश्य से प्रायः परिवार समूह अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली एवं धनी कुलों से मैत्री करके अपने परिसंघ का निर्माण कर लेते थे। चंगेज खान ने मंगोल एवं तुर्की कबीलों को मिलाकर 5वीं शताब्दी में अटिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर परिसंघ का निर्माण किया था। यानी इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि था वह हम इस तरह था कि ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उन समूहों का एक मालिक होता था, या जिसको कि हम लोग मुखिया बोलते हैं, मुखिया होता था, उसको शेख बोला जाता था। तो इस तरह का उनका राजनीतिक संगठन था, बहुत ही बोले तो सुसंगठित स्तर पर इनका राजनीतिक संगठन नहीं था। एक कबीले के रूप में परिसंघ बनाते थे और वो भी परिसंघ अपने रक्षा के लिए बनाते थे, ताकि उनके परिवार और उनसे रिलेटेड जो भी समूह हो उनकी रक्षा हो सके। तो इस तरह का उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि था। अब हम बात करते हैं चंगेज खान की राजनीतिक स्थिति की। चंगेज खान की आर्थिक अस्थायी अधिक राजनीति व्यवस्था, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे कि मंगोलों की राजनीति पृष्ठभूमि कैसा था, क्योंकि कबीले के रूप में रहते थे। इसके बाद फिर उनका एक क्या होता था, जैसे कि शेख बोला जाता था और ये सारी जो व्यवस्थाएं
सुरक्षा एंड प्रोटेक्शन के लिए होता था। उसी तरह से जब दंगेज खां आया तो उसने अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि था, राजनीतिक स्थिति थी, वह पहले वाले लोगों से बहुत अच्छा और अस्थायी बनाया, ताकि आगे चलकर उसका जो परिसंघ उसने बनाया था अटिला के द्वारा बनाए गए परिसंघ से भी बहुत अच्छा और अस्थायी बनाया था। तभी तो जाकर आगे उसने बहुत बड़े पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की, जो कि मंगोल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जो विश्व के बहुत बड़े एरिया में था, यानी यूरोप से लेकर एशिया तक यह फैला हुआ था। तो ये थी हमारे चंगेज खान की अधिक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था। हमारा 9 पॉइंट है, मंगोलों के लिए व्यापार की व्यवस्था। मंगोलों के लिए व्यवस्था, ठीक है। चंगेज ने अपने राजनीतिक स्थिति बहुत ही मजबूत बनाया था, जो आगे चलकर मंगोल साम्राज्य के गठन में उसका मदद मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मंगोलों के मंगोलों के लिए व्यापार की क्या महत्ता थी। तो व्यापार से मतलब होता है कि अगर हम व्यापार नहीं करते हैं तो वस्तुओं की आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं कर सकते। व्यापार क्यों किया जाता है? व्यापार इसलिए किया जाता है कि जहाँ भी जिन चीज की कमी है वे दूसरे जगह से उस चीज की आपूर्ति करें, और यहाँ जो चीज अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है उसको दूसरे जगह निर्यात किया जाए। यानी व्यापार के दो हैं, एक आयात और दूसरा निर्यात। आयात और दूसरा है निर्यात, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मंगोलों का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। मंगोलों का जो व्यापार था वो क्या था? वस्तु विनिमय में पर आधारित था, ठीक है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि अपनी वस्तुओं को देना और उनसे उनकी वस्तुओं को लेना, मतलब कि जो चीज वस्तु के बदले वस्तु देने की क्रिया को भी वस्तु विनिमय की प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय आधारित। तो मंगोलों का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि मंगोलों ने व्यापार कैसे किया, क्योंकि मंगोल एक अस्थायी निवासी नहीं थे, वे अस्थायी तौर पर थे, इसलिए वे खेती बाड़ी नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, इसलिए उन्हें कृषि उत्पादों की आवश्यकता थी। और उनका मुख्य पेशा जो था वो पशुपालन था, शिकार करते थे। इसके बाद फिर उनसे जो चीज़ें प्राप्त होती थी उसका वे जो बगल में जो चीन था उसके पास उससे वे व्यापार करते थे, वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, ठीक है। तो मंगोल जो थे वे घोड़े भेड़ बकरियों इत्यादि का पशुपालन करते थे, और उनसे जो फल प्राप्त होता था या फिर जो शिकार के द्वारा कुछ जंगली शिकार प्राप्त होते थे या फिर घोड़े छोड़ते थे, इन सारी चीज़ों को वे चीन के लोगों को देते थे, और चीन से कृषि उत्पादों को वे प्राप्त करते थे। इनकी ज़रूरत अगर देखें तो व्यापार की भूमिका बहुत ही आवश्यक थी। अगर वे व्यापार नहीं करते तो उनकी कृषि उत्पादों की आवश्यकताएं कंप्लीट नहीं होती। तो हम देखें व्यापार की महत्ता के लिए पहला तो है कि कृषि
उत्पादों के प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए व्यापार करते थे। दूसरा है अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को प्राप्त करने के लिए। तीसरा है साम्राज्य विस्तार में मदद मिल रहा था। तो ये सारी चीजें हैं जिसके जिसके चलते व्यापार का मुगलों के लिए बहुत है। पर हमने देखा कि वे कृषि उत्पादों की प्राप्ति के लिए वस्तु में प्रधारित व्यापार करते थे। उसी तरह से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मंगोल एक यावी थे, मंगल थे, प्लस रोड पार भी करते थे। तो कृषि उत्पादों के साथ साथ वे लोहे के औजार इत्यादि का भी व्यापार करते थे, ताकि वे उसे प्राप्त करें और अपनी जरूरतों के अनुसार उसका उपयोग करें। ठीक है, अगला है कि इससे उनके साम्राज्य विस्तार में भी काफी मदद मिला, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए सैन्य संगठन की आवश्यकता थी और सैनिकों को समर्थित करने के लिए औजारों के की आवश्यकता थी। औजार के लिए उसे व्यापार की जरूरत थी, क्योंकि वे खुद तो बनाते नहीं थे, इसलिए वे चीन से कृषि उत्पाद और लोहे के औजार इत्यादि का व्यापार करते थे, जिससे वे अपने जरूरत को पूरा करते थे। इस प्रकार हमने देखा कि मंगोलों के लिए व्यापार की क्या महत्ता थी, जिसमें हमने पढ़ा कि व्यापार दो तरह का था, एक आयात और दूसरा निर्यात आधारित होता था। तो आयात उन चीज़ों का किया जाता था जो कि किसी देश में अगर कोई चीज़ की कमी है तो वहाँ पर आयात किया जाता है। देखिए, जिस देश में अगर किसी चीज़ की ज़्यादा उत्पादन होता है तो वे दूसरे कंट्री में उसको भेजते हैं, तो वहाँ पर निर्यात किया जाता है उन चीज़ों का। तो ये जो आयात और निर्यात की व्यवस्था थी, वह मंगोलों का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार था। इस प्रकार हमने इस बात की चर्चा की। आगे हम देखेंगे मंगोल चीनी अगला मेरा पॉइंट है मंगोल और चीनी संबंधों में तनाव। हमने बात किया कि मंगोलों ने व्यापार कैसे किया, उनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। आगे हम चर्चा करेंगे कि मंगोलों का जो चीनियों के साथ संबंध था वह तनावपूर्ण क्यों था, क्योंकि मंगोल के जस्ट बगल में ही चीनियों का ये था और वे चीनी चीन से ही व्यापार करते थे, आयात करते थे, निर्यात करते थे, और उनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। तो उनके साथ तनाव जो उनके साथ जो संबंध थे वे तनावपूर्ण क्यों हो गए। ठीक है, तो पहला था कि उनका जो व्यापार की वजह से, व्यापार के कारण, व्यापार के कारण इसलिए क्योंकि उनके साथ जो व्यापार करते थे, क्योंकि मंगोल जो थे वे लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, उनमें वे मंगोल अपने
बंद थे वे खराब होते गए। आगे चल के फिर था कि उसने चिन्हित लोगों को जेल रूप से खसोड़ने का ये करने लगा। तो व्यापार की वजह से भी उनमें जो तनाव था वो बढ़ते गया। प्लस मंगोल अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे थे। आज मंगोल चीन के आसपास के जो भी एरिया थे उस पे वे अपना कब्जा करना चाहते थे और वहाँ पे मंगोल साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। इस दौरान उन लोगों ने उससे उनका बहुत ही झड़प हुआ या फिर उनकी जो स्थिति थी उनके जो संबंध थे वे तनावपूर्ण हुए क्योंकि चीनी लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी दौरान था कि चीन का जो शासक था इन लोगों से इतना तंग आ गया था, खास करके हूनों से, वो भी तो एक यावरिक जाति के ही लोग थे, तो हूनों से तंग आकर उन लोगों ने क्या किया था कि चीन का जो सिंहागति नाम का एक शासक हुआ था उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि मंगोलों ने चीनी संबंधों में तनाव इसलिए पैदा हुए थे क्योंकि वे जो जबरदस्ती रूप से सोच की प्रवृत्ति थी अचानक से वे डरना शुरू कर देते थे और उनको नुकसान भी पहुंचाते थे, तब तबाह भी करते थे। तो इस वजह से चीनी लोग और मंगोलों के बीच में तनाव की स्थिति थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ग्रेट ऑफ अवस्था,
और तीसरा आ जाएगा विवाह, चौथा हमारा है सगे भाई, फिर आता है पांचवा पिता का बदला, इसके बाद आता है बनना। तो ये सब है, हम चलिए छात्र जीवनी को भी कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत बात करने चर्चा करेंगे, जिसमें है कि चंगेज खान प्रारंभिक परिचय है कि चंगेज खान जो था वो चंगेज खान को जन्म जो हुआ था वह मंगोल में ही ओनन नदी के किनारे एक जगह हुआ था, और उसके बचपन का जो नाम था वह तिमुचिन था। उसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बोल सकते हैं या फिर उसको लिखने भी बोल सकते हैं, तिमुचिन। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इसका 1162 ईस्वी में। ठीक है, चंगेज खान के बचपन का नाम तिमुचिन था, और उसका जो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में मंगोल में ही ओना नदी के किनारे हुआ था, और इसके पिता का नाम था जेली बगातु, माता का नाम था के। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे और चंगेज खान की जीवनी का परिचय को हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उसका प्रारंभिक जीवन का परिचय। प्रारंभिक जीवन के परिचय के अंतर्गत यह है कि चंगेज खान का जो जन्म हुआ था वह मंगोल में ही ओना नदी के किनारे हुए था। उसके बचपन का नाम तिमुचिन था, और उसका जो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम एसुजई बगातु था। बगातु का क्या मतलब होता है? के बाद उसके माता का नाम अलून इके था, और उसकी पत्नी का नाम बोरने था। इस प्रकार था। आगे हम बात करेंगे बाल्यकालीन अवस्था के बारे में। तो बाल्यकालीन अवस्था के बारे में है कि उसका जो बाल्यावस्था था बहुत ही कठिनाइयों में बीता। वहां जब 10 वर्ष का था तभी उसके पिता का वो जहर देके बहुत ही निर्ममता और निर्दयता पूर्वक मार दिया गया था, जिसे कि देखकर चंगेज खान और भी अधिक कठोर और बहुत ही संघर्षशील और सहन शक्ति वाला बना। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ओलिन इके ने उसको बहुत ही कठिनाइयों से पालन पोषण किया। उसके अलावा भी उसके और बहुत सारे
भाई बहन भी थे, ठीक है। आगे चलकर उसका विवाह हुआ, बोर्ने नाम की एक स्त्री से उसका 12 या 13 साल की आयु में ही विवाह हो गया। वैवाहिक जीवन में उसका कुछ कठिनाइयों में ही बिता, क्योंकि जिस समय उसका विवाह हुआ इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी यानी चंगेज खान की पत्नी को कुछ कबीले दूसरे कबीले के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद चंगेज खान ने अपनी पत्नी की खोज में बहुत जगह भटका। इसके बाद वह भटकते हुए किसी मित्र बोगोचिन नामक एक मित्र था जिसकी सहायता से वह अपनी पति बोर्ने को खोजा। इसके बाद है उसके सगे भाई जो मैरिक किया कुछ नाम था जिससे उसका युद्ध हुआ, क्योंकि वह सब उसका सबसे बड़ा शत्रु था। आगे चल के पिता का बदला लिया, पिता की मृत्यु का बदला, क्योंकि उसका जो चाचा था ताऊ था ओम खान, उसने उसके और कोई और किसी से मिलकर उसके पिता को जहर देके बहुत ही निर्दयता पूर्वक मारा था। इसलिए उसने अपने पिता का बदला लिया कि उसने ओम खान को मार डाला। इसके बाद है मंगोल जाति का संगठन। इसके बाद उसने मंगोल जातियों को संगठित किया। संगठित करने के बाद वह 1206 ईस्वी में वहां का राजा बना। चूंकि चंगेज खान के जो पिता थे वे कियात समूह जो कि एक कबीलाई था, कियात कबीला के सरदार थे। बाद में अपने मंगोल जातियों को संगठित करने के बाद वह वहाँ का राजा यानी गगान नियुक्त हुआ। गगान नियुक्त के लिए कोरताई नामक महापरिषद ने उसको गगान नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में उसने गगान बना और वही उसका चंगेज खान नाम पड़ा, जो कि जिसका कि मीनिंग होता है चौमुखी सम्राट, ठीक है। तो ये इतने सारे उसके तो हमने चर्चा किया कि चंगेज खान के जो जीवन का परिचय प्रारंभ जिसमें कि प्रारंभिक परिचय, फिर बाल्यकालीन अवस्था का परिचय, फिर विवाह किससे हुआ, इसके बाद है सगे संबंधों से युद्ध, पिता का बदला लिया, इसके बाद है मंगोल जाति का संगठन, इसके बाद है गगान बना हुआ यानी राजा बना, इसके बाद ही उसका नाम चंगेज खान बना। इस प्रकार उसका था चंगेज खान का जीवन परिचय। तो हमने इस सारे यावर मंगोलों का साम्राज्य, यावर मंगोलों के साम्राज्य में हमने सबसे पहले विषय परिचय, यायावरी का स्वरूप, मंगोल इतिहास के स्रोत, मंगोल इतिहास को समझने की समस्याएं, यायावरी जातियों द्वारा साम्राज्यों का निर्माण, मंगोल सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, चंगेज खान की अधिक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था, मंगोलों के लिए व्यापार की महत्ता, मंगोलों की विजय एवं अन्य राज्यों से संबंध, मंगोल चीनी संबंधों में तनाव और चंगेज खान के जीवनी के परिचय दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा
दूसरा क्वेश्चन है कि मंगोलों के कगान रंगेज खान का जन्म कब हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है रंगेज खान के पिता का क्या नाम था। चंगेज खान का जन्म कब हुआ। बच्चों उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, जिसमें पहला है यायावरी जाति कौन कौन से थे। यायावरी जाति में मुख्य रूप से हूण थे, यूची थे, मंगोल थे, ये सारे लोग थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मंगोलों को संगठित करके मंगोल साम्राज्य का एक बार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किया था, वो था चंगेज खान। अब हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है कि मंगोलों के कगान चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे कगान का मतलब है सम्राट और चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, वो हुआ था 1162 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान के पिता का क्या नाम था। एसुजी बगातुर था। बगातुर का मीनिंग क्या होता है, वीर या बहादुर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास में चंगेज खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में ही ओनर नदी के किनारे हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पिछले पॉइंट से रिलेटेड हैं। बच्चों इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप वीडियो में देखना, इसके बाद सारे क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आंसर देने की कोशिश करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।